दिल्ली की सड़कों का कायाकल्प करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दिल्ली में करीब 1260 किलोमीटर लंबी सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 50 विधायकों की मदद ली जाएगी। इनमें एक टीम में एक विधायक के साथ पीडब्ल्यूडी के दो इंजीनियर शामिल होंगे। सैटरडे को 5 तारीख को हमारे सभी MLAs को 50 MLAs को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। इन 50 MLAs को पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के साथ दो दो की टीम बनाई जाएगी, एक MLA और एक इंजीनियर, और ये लोग हर MLA को 25 किलोमीटर की सड़क दे दी जाएगी। सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ मिलकर प्लान बनाया है, जिसके तहत शनिवार को तमाम जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के साथ अलग अलग इलाकों में जाएंगे। तो जाने के लिए 25 किलोमीटर और लौट के आने के लिए 25 किलोमीटर, कुल 50 किलोमीटर का वो सफ़र तय करेंगे अपने अपने इलाकों की बड़ी सड़कों पर, और वहाँ देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोई सड़क खराब तो नहीं है, सड़क में गड्ढा तो नहीं है, या फिर सड़क पर मरम्मत की ज़रूरत तो नहीं है, और उसके बाद एक रिपोर्ट बाकायदा पीडब्ल्यूडी विभाग और मुख्यमंत्री दफ्तर को दी जाएगी। दिल्ली की सड़कों को ठीक करने के लिए 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले अभियान में टीम के लोग खराब सड़कों की तस्वीरें खींचकर कंट्रोल रूम को भेज देंगे। उसके बाद सड़क की स्थिति के हिसाब से उसकी मरम्मत की जाएगी। तो तीन तरह के नुक्स निकल सकते हैं। एक ये होगा कि गड्ढे हो सकते हैं, दूसरा ये होगा कि गड्ढा तो नहीं है लेकिन सड़क बड़ी उबड़ खाबड़ है, सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है, और तीसरा ये हो सकता है किसी डिपार्टमेंट का वहाँ काम चल रहा हो। मान लीजिए पाइपलाइन डल रही है, खुदाई हुई पड़ी है, सीवर की लाइन डल रही है, खुदाई हुई पड़ी है, तो जहाँ जहाँ काम चल रहा है उसको तो हम काम के बाद ही रिपेयर कर पाएंगे, लेकिन जहाँ गड्ढे हैं उनको हम तुरंत रिपेयर कर देंगे, और जहाँ सड़क की स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है उसको भी हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की राजधानी में सड़कों की हालत ठीक होने से ट्रैफिक की समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कों की दशा सुधारने का अभ्यास हर साल किया जाएगा।